भोर भइल में टल अंधियारा कोयल कुहू के पूर्व दिशा से निकलल लाली फैल गइल मुस्का जागा भइल बिहान जागा भइल बिहान सबसे विदेश नया आइल सखी गइल जब से विदेश नया आइल सखी बिया करके गवनवा पराइल सखी रे बिया करके गवनवा हो पराइल सखी गइल जब से गइल जब से विदेश नया आइल सखी बिया करके गवनवा पराइल सखी रे बिया करके गवनवा हो पराइल सखी जब ओकर पति बहुत दूर चल जाला परदेश चल जाला कमाए चल जाला तो ओकर दर्द जो होला ना तो एगो बिरहन ही बता सके जेकरा में वो दर्द हुई जेकरा में वो बात हुई जे सच्चा प्यार करत है जैसन की ई करत है सुना हमरा से भइल लाचा कवन कसुरावा छोड़ के परहिला काहे गुरु बाबा के ओरावा करके गवनवा पराई सखी रे बिया करके गवनवा हो पराई सखी हमरा भोजपुरी समाज के संस्कृति में बात लिखल मिलल बाकी मेहरारू का श्रृंगार असली में ओकर मरद होला और जब बुजुर्ग हो जाए तो का बैदो नरतिया राजा बोला लाके बोलिया देखो है कोई लिया रोजे चहके ने बोलिया मुना रोई रोई पापा दे पराइल सखी बबनी रोआ कहे पापा कहा पराइल सखी बिया करके गवनवा पराइल सखी रे बिया करके गवनवा हो पराइल सखी जाने कवने कवने रे जाने कौने गाइल जब ते विदेश नया
जब से हर विदेश से नया आई लखी पिया करके गवाना बनाइल सकी पिया करके गवाना खीरे सैया करके गवाना बजाइल सखीरे राजा करके गवाना बाए बजाइल सखीरे। अरे वाह, कितना बढ़िया गीत सवेरे सवेरे के बेला पे जोन तू इतना बढ़िया गीत गोले वाला एकरा बदे बहुत बहुत धन्यवाद। कितना बढ़िया से तू एगो बिरहन के जिकर पिया परदेश चल गई बा उ बात के इतना बढ़िया से समझावत रहे झूम झूम के गावत रहे का बात बा पार्टनर जोड़ा नहीं खितार इहो तो एगो श्रृंगार बा भाई मेहरारू के सबसे बड़ श्रृंगार जन होला नारी के ओकर पति होला ओकर नायक होला और उहे जब उसे दूर हो जाए तो का ओकरा के कोनो घर द्वार निक लागी ना बिल्कुल ना कोनो सास श्रृंगार निक लागी और साथे साथे ना ही कोनो घर द्वार निक लागी तो ए श्रृंगार की हमेशा हम कहने की बचा के रखे के चाहिए और ओ पति लोग से ओ पिया लोग से मैं ये विनती बा कि भैया कुछ और करी पैसा खातिर जरूर भरा जाए लेकिन ढेर दिन ना कहे कि भाई एगो प्रेम के जो रिश्ता बन जाला ना ओके तोड़ के ना चाहिए कोशिश ये रहे के चाहिए कि हमेशा अमर रहे रहुआ प्यार एकदम बनल रहे उहे कोशिश रहे गीत में गो बिरहन के दर्द रहे बखान रहे खैर इतना बिरह के बात रहे अब खुशी के बात बा जैसे उ अलग होके ओसे ना जी पावेला वैसे हम रउआ लोग से अलग होके ना जी पावेले हम ना चाहने कि हमार बिरह में कबो रउआ लोग बदे कुछ बात निकले ऐसे हर रोज नियमित टाइम पे वही चैनल पे हर रोज आवे नी लेके अपन उ खास प्रोग्राम महुआ प्लस के माध्यम से जेकर नाम बाटे भैल बिहान के आगाज के साथ हम बानी जितेंद्र सिंह अंशु और भैल बिहान के आगाज के साथ हम बानी राउर दुलारी संजोली पार्टनर देखा हमने की आज भी शुरुआत रोज की भांति कैले बानी कबो सुख कबो दुख लागल रहला जीवन के इंसान भी जब भी कहीं जाला कुछ करेला कुछ बनेला कुछ सोचेला या फिर कुछ परखे के कोशिश करेला तो हमेशा से ओके कई गो चुनौती के सामना करे के पड़ेला और चुनौती के सामना करत करत अक्सर ओकरे अंदर ऐसा कुछ होला ना कि वो तरह से मार्ग से भटके लागेला उस समय ओकरे अंदर कई तरह की बात उत्पन्न होला गुस्सा होके लागेला। बिल्कुल सही बात कहला बाकी हम तो यह चाहब कि अगर तू ऐसन बात समझावत बाड़ा और इतना बढ़िया तरीके से तो तनी आज के उत्तम विचार समझा दे काबा जरूर जरूर हम ही सब बात यही लिए बताने की उत्तम विचार कुछ ऐसने बाटे। अच्छा बिल्कुल और उत्तम विचार आज की बा भैया कि जिस प्रकार खौलते हुए पानी में परछाई को नहीं देखा जा सकता उसी प्रकार क्रोध की स्थिति में सच को नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल सही बात बा दर्शक लोग जैसन पार्टनर एकदम सही बात बतावनी रोवा लोगन की कि अगर पानी उबलत रहे तो कितना हो कोशिश कर ले बाकी ओमे आपन चेहरा आपन छवि के ना देख सके नी ओही प्रकार अगर कोनो इंसान के गुस्सा आ जाला तो के कुछ ना बुझाला सिर्फ और सिर्फ क्रोध के बस में हो जाला। और भैया जब एह तरह हो जाला तो ओकरा ऊपर क्रोध के राज हो जाला क्रोध के नियंत्रण हो जाला और अब सोच सके नहीं रहुआ लोग इतना समझदार बानी कि अगर केवल इंसान पे क्रोध के काबू आ जाए क्रोध के वश में कोनो इंसान आ जाए तो सोच सकेली कि ओकरा साथे का होई का हो सकेला साथे का होई बल्कि वो दूसरा के साथे गलत करी काहे कि वो इंसान अपन मर्यादा अपन इंसानियत सब कुछ भुला जाए। एह नाते हमार रउआ लोग से हाथ जोड़ के ये विनती बा कि कबहू कौनहु कंडीशन आ जा कौनहु सिचुएशन आ जा लेकिन जोन गुस्सा वाला ओकरा पे काबू रखी गुस्सा वाला काम होखे मत दे आ गुस्सा अगर आइबो करे तो के थूक दे गुस्सा कबू आवे मत दे हावी ना होखे दे। जब इतना प्यार से तू दर्शक लोगन के ई बात समझा रहल बाड़ा तो हमके ऐसा लागत है दर्शक लोग तहर बात के मन ही अपना जिंदगी में उतरिए और गुस्सा पे काबू रखिए। अरे पार्टनर अगर ऐसा हो जाए तो फिर पूछे के बाद जिंदगी में आनंद ही आनंद आ जाए। बिल्कुल आनंद ही आनंद आ जाए। चलिए भैया तो यही बात पर हुआ लोग देखिए आज के प्रोग्राम की एगो खास झलक। ओम जो शब्द है इतना पावरफुल है कि इसके वाइब्रेशन से अंग अंग की नर्व्स जो होती है वो खुल जाती है। आर्ट्स से रिलेटेड आर्ट्स यानी कि हम जिसको कहते हैं कि आजकल यूजफुल नहीं है जबकि ऐसा नहीं है आज बहुत यूजफुल है। आगे आगे गलबा चले पाछे किसनवा तो ई तो हो गेल दर्शक लोग आज की झलक विस्तार से रोवा सबके दिखाए लेकिन सुना आज हमारे को मन करता है हमके पता बा तोहार का मन बा तोरा के कैसे पता हमने बताइबो ना कहनी था
हम बताइब तरह के बताइब काहे बताइए भाई बतावा कब बताइबो कब बताइबो अबई ना बताइब पहले एगो हम ब्रेक लेब ओकरा बाद बताइब चलो एगो ब्रेक लेला फिर बता दिया ठीक बा दर्शक लोग रोवा सब भी तनी इंतजार करी इनकर बात के हम ब्रेक के बाद बताइब बाकी रोवा सब बनल रही एही खास प्रोग्राम में जोना प्रोग्राम के नाम बाटे भईल बिहान भईल बिहान ब्रेक के बाद एक बार फिर से रोवा सबके स्वागत करता ने महुआ प्लस के खास पेशकश है जो रोवा सब खातिर हम लेके हाजिर होके ने तो वही खास प्रोग्राम में रोवा सबके फिर से स्वागत बा जन प्रोग्राम के नाम बाटे भईल बिहान अच्छा तब बतावो का बताई अरे वो है जोन तोरा के मालूम बाटे देखा हमरा के तो बहुत कुछ मालूम बा बाकी तू हमके बताओ कि तू हमसे का जाने के चाहत बड़ा अब जो तोरा के बहुत कुछ मालूम बा तो बोल दे कुछ बोल ले हम सुन ले कुछ बाकी हम कुछ ना बोली और खामोश रहता तो इसे बढ़िया का हो सके ले भैया देखनी ना दर्शक लोग हमके एक बात ना समझ में आवेला कि हमरा खामोशी से तहरा के कौन खुशी मिला था तोरा के ना बुझाई जाए तो छोड़ो के अब काहे छोड़ी समझेबे तब ना समझब कहानी ना जाए द छोड़ा वो बात के लगला तो भाव खावे हम भाव नहीं खाते पार्टनर अब तो चुप रहा तुम्हारी खामोशी रही हम खामोशी से बहुत कुछ समझ जाए ओहो एक कहे के मतलब कि तू आजकल खामोशी से बतियावेला बिल्कुल बतियानी भाई खामोशी से बतियानी और तू नहीं बतिया पाए वो सब नहीं बतिया पाए वो काहे वो कुछ रीजन बाटे बहुत बड़ रीजन बाटे बतावा तनी हमहु जानी जान जरूरी बतवार एकदम जरूरी बा बहुत ज्यादा जरूरी बा हम जान के रहब ठीक बा अगर तू जान चाहता तो तोरा के बता दी खामोशी से बात उहे को पहला ना ओकरा खातिर मोहब्बत करे के पड़ेला प्रेम करे के पड़ेला और जे के प्रेम हो जाला ना उहे खामोशी से बात कर पाए फिर त हमके बिल्कुल ना जाने के भाई बात के एकदम ना हम समझे के चाहत आनी बल्कि तारा के हम समझावे के चाहत बानी कि अगर तारा के खामोशी से कोनो काम करे के बा तो तनी ओम के उच्चारण करता तब तारा जिंदगी में तनी सुधार हो जात ओकर लाभ तारा के मिलत अच्छा है दादा अगर कुछ हो के लाभ बा त बतावा दू गो काम मुंह को लेके साथे खामोशी से बतियाओ ले मोहब्बत भी होला हम भी जब के लाभ बिल्कुल बिल्कुल सही समझ लिया दर्शक लोग रोवा सब भी समझ ले कि खामोशी से यानी कि ओम के उच्चारण करके का लाभ होए के बाद अगर इलाज के बारे में जाने के बाद तो चलिए रोवा सब भी देखिए साथे साथे तू जरूर देखिए हमने की खास सेगमेंट जेकर नाम बाटे योग गंगा ओम शब्द तीन अक्षर अ उ और म के मेल से बना है ये तीनों अक्षर मिलकर ब्रह्मा विष्णु और महेश का बोध कराते हैं इसीलिए ओम शब्द के उच्चारण से इन तीन शक्तियों का एक साथ आह्वान होता है ओम जो शब्द है इतना पावरफुल है कि इसके वाइब्रेशन से अंग अंग की नर्व्स जो होती है वो खुल जाती है जब हम आ बोलते हैं ये हमारा मुंह खोलते हैं आ जब जैसे ही ऊ बोलते हैं हमारे थ्रोट में ऊ आता है पर जैसे ही हम म बोलते हैं तो वह म जो है हमारे ब्रेन में जाता है एक एक जो ब्लॉक नर्व्स होती है हमारे ब्रेन के अंदर इतनी ओम के वाइब्रेशन से वो खुल जाती है दिमाग की दौर पे सारी परेशानियां दूर हो जाती है इस ओम के उच्चारण में इतनी क्षमता है कि हमें इस डिप्रेशन लाइफ के डिप्रेशन लाइफ के जो परेशानियां हैं सभी से हमें दूर कर सकती है ओम केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत शक्तिशाली है हमारे दिमाग के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो योग या फिर एक्सरसाइज करने से भी खिंचाव में नहीं लाए जा सकते लेकिन ओम का उच्चारण हमारे दिमाग में रेज और वाइब्रेशंस पैदा करता है इसीलिए शरीर को तंदुरुस्त और मन को स्वस्थ बनाने के लिए हमें आंखें बंद कर शांत मन से ओम का उच्चारण जरूर करना चाहिए कितना बढ़िया बात रहे बढ़िया बात रहे भाई तम आप तो तरह के लागल होई कि अगर खामोशी से कोनो काम करे के बाद तो का करे के बाद मोहब्बत भी करा और ओम भी जपा वाह रे तहार मोहब्बत तू आऊ कह सकेलू तू के जाने तारा से के मोहब्बत करी अरे राम जाने करम नी कोई तेकर मोहब्बत हमसे राम जाने के कर भाग फुटल होई समय बताई के कर भाग फुटी के कर भाग जागी फिलहाल वक्त भाई को ब्रेक के गो विराम के व्यापार लेके फिर से हाजिर हो कब राहुल सबके सबसे प्रिय प्रोग्राम के जेकर नाम बाटे भईल बिहान
भयल बिहान। दर्शकगण ब्रेक के बाद एक बार राहुल सबकी पुनः स्वागत बाटे महुआ प्लस के एक खास प्रोग्राम में जेकर नाम बाटे भयल बिहान। तब हो खामोश बाबू। अब बोला ये बात नहीं मैडम, तुझसे एक बात कह के चाहता नहीं। दूठे कहा? कि जितना दिमाग तू आपन खामोशी से बतियाए में लगा ले रहला उतने ही दिमाग तनी अगर पढ़ाई में लगा देते तो आज तू कहां से कहां पहुंच जाता। बात तो तू एकदम राइट बोले लू कबो कबो, लेकिन ये बतावा कि अगर पढ़ाई में ध्यान लगाती तो जान तर का होत का होत और बहुत 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 बुरा दशा होत। अच्छा, ए लिए जो से हमारी पढ़ाई चलत रहे उस समय हम अपना तनी कोनो कारणवश आर्ट्स चुन लेलने और जनते बाड़ू आर्ट्स पढ़े वाला के का दशा होला। ऐसा अब कबो मत कहिया, काहे कि आर्ट्स विषय ले वाले लइकन के भी कई गो अवसर बाटे। अच्छा, तो ढेरे जाने लो का? हम ढेर ना जाने ले, बाकी तोहरा के जनवाई जनवाई भू जनवावा। चलो ठीक बा, तोहरा के भी बताई साथे साथे दर्शक लोगन के भी कि जे आर्ट्स विषय के चुनले बाने उनकर खातिर का का अवसर बा, यानी कि हमने के एक्सपर्ट से रवा सबके विशेषज्ञ से मिलाए जे बाने करियर एक्सपर्ट रिचा सू जी, जे रवा के बताए का का अवसर बा। चले मिल के देखल जाओ ई खास सेगमेंट जेकर नाम बाटे हमार विशेषज्ञ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रिचा सूद, डायरेक्टर रॉयल किड्स, आज फिर आपके सामने हूँ आर्ट्स से रिलेटेड। आर्ट्स यानी कि हम जिसको कहते हैं कि आजकल यूज़फुल नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, आर्ट्स बहुत यूज़फुल है। आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं शायद वो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन के सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं। जो लोग आर्ट्स में पढ़ते हैं तो वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा कंज्यूम होते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आने वाले समय में, और स्कूल्स ही स्कूल्स बनते जा रहे हैं, टीचर्स ही टीचर्स हमें चाहिए। तो आर्ट्स में सबसे पहले आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इस तरीके के कोर्सेज़ अगर आप लेते हैं, क्रिएटिव राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग, ये कोर्सेज़ आपको बहुत सुनहरा भविष्य दे जाते हैं। मीडिया प्रिंटिंग में, मीडिया रीडिंग में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं आपकी। जहाँ पर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अगर आप में है और आपने साथ में एक लैंग्वेज से डिग्री ले ली तो आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए आर्ट्स को छोटा ना समझें, आर्ट्स बहुत अच्छा है। तो हिंदी के टीचर्स की, इंग्लिश के टीचर्स की, ज्योग्राफी के टीचर्स की, इन सब की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आर्ट्स से रिलेटेड अपने कोर्सेज को जितना आप एनहेंस करके, जितना स्किलफुली आप डेवलप कर सकते हैं डेवलप कीजिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपके लिए जो जॉब्स इंतज़ार कर रही हैं वो लगभग 15,000 से शुरू होकर या 10,000 से शुरू होकर आराम से 50,000-60,000 तक जाती हैं। और अच्छी बात ये है कि जो ये कोर्सेज हैं फीमेल्स करें तो बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ बीएड आप कर सकते हैं, एमएड कर सकते हैं, एमए एजुकेशन कर सकते हैं, और इनके साथ साथ हम कर सकते हैं फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज, और हम कर सकते हैं हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज जैसे कि होटल मैनेजमेंट वगैरह, जो कि आर्ट से ही रिलेट करते हैं। आर्ट सचमुच जीने की कला है और जीवन जीने की शैली हमें सिखाती है। तो आर्ट्स को कभी निगलेक्ट मत कीजिए, आर्ट्स के कोर्सेज जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं, आर्ट्स की स्ट्रीम आप कीजिए और उन्हें आगे बढ़ाइए। क्या बात है, एक बात तारा से कहा कि अब कबो मत कहिए कि कला वर्ग के स्टूडेंट खातिर कौन अवसर ना बा। भाई माने की पड़ी भाई, अवसर यू फील्ड में बहुत ज्यादा बाटे और आर्ट्स पढ़े वाला हर स्टूडेंट की वो बढ़िया बात आज पता चलल हुई कि हाँ तो भाई पढ़ला में आर्ट्स कोनो बुराई ना बा, आज भी बहुत अवसर बा। अगर मेहनत कर जाओ, बढ़िया तरह से पढ़ाई कर जाओ, निश्चित ही भैया आर्ट्स पढ़े वाला जो भी विद्यार्थी बा, जो भी छात्र बाटे, ओके सफलता जरूर भेटाए। चली तो सब तो ठीक बाटे, मामला आप ठप कर जा। और अब इतना जान ले तू भिन्नी भिन्नी गोजन कर देलू ना कि अब हमारा कुछ कह ना जाता। अब हम ये चाहब कि तनी अब कुछ बढ़िया गाना बजाना होके हो। अच्छा, तो हम गजन करे, तू भजन करा दा। बिल्कुल, तो हम भजन ही कराओ कि पूरा बंदोबस्त कैले बानी। अच्छा। अब भैया अब चली बिना देर कैले अपना अगला सेगमेंट की तरफ लेके चला तनी रहुआ सब लोग के, जेकर नाम बाटे सुन गंगा। और आज हमनी के सुर गंगा में अतिथि बन के आवतने अपना गायकी से सबका के लुभाई बुआ के आवाज में जवन जादू बाओ के फैलाए, तो हम बुलाओ तनी वो मेहमान के बिना देर के लिए जायल बानी देश की राजधानी दिल्ली से शकील अहमद जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बिल्कुल आइए, बैठिए शकील जी। सबसे पहले राव रे भोरे भोरे के बेला पे, सवेरे सवेरे के बेला पे भैल बिहान के आंगन में महुआ प्लस का स्वागत करता, अभिनंदन करता। थैंक यू सो मच।
आपके आज पूरा जहान देखा था, पूरा हिंदुस्तान ना, पूरा विश्व देखा था महुआ प्लस के माध्यम से। तो आप अपन कोनो बात विचार जो दर्शक लोग से जो दिक्कत तक कहे चाहो। सबसे पहले तो मैं महुआ प्लस चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है कि उन्होंने आज मुझे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने आप लोगों के समक्ष और अपने साथ मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मोमो प्लस को। क्या बात है शकील जी, बहुत ही बढ़िया बात है आपके मुख से निकलल। लेकिन हमने के कहा अगर अवसर के दिले बात जो देखा था वो लोग खुद ही अवसर दिला। दर्शक लोग आज लाखों करोड़ों लोग देखा था तो वो लोग ही आपके बुलावता, आप लोग के प्यार देता और वो मुकाम तक पहुंचाला में सबसे बड़ा श्रेय हाथ वही लोग के बाटे। बिल्कुल सही बात कला पार्टनर, कहा है कि दर्शक लोगन के मेल के माध्यम से ये पता चलेला कि कैसन कैसन कलाकार के उस सुने के पसंद करताने और कैसन कलाकार के यहाँ आमंत्रित करे खातिर निहोरा करेले। तो रउआ से सबसे पहले ई जाने के चाह जिसन के आज अंगना में आयल बानी, तो रउआ से तनी राव जिंदगी से जुड़ल सवाल जवाब हुई ई जाने के चाह कि संगीत के सफर कैसे शुरू भइल। मैं आपको बताता हूँ संगीत का सफर शुरू हुआ मेरा जी जी बचपन से। मेरे नाना जी 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 ने मुझे स्टार्ट कराया जी, और मैं बहुत ज्यादा शौकीन नहीं था। मैं सोचता था कि क्या करें कैसे करें। तो उस वक्त पिक्चर आई थी नदिया के पास, तो पहला गाना भोजपुरी के वो ना साची कहे तोरे आवन से हमरे अंगना में आ गए हमार भौजी। क्या बात है, तो ये घर था भूतन का डेरा, जब से तुमने पगरे फेरा दुनिया बदल गई हालत संवर गई साची कहे। तो वो गाना पहला गाना भोजपुरी मैंने सीखा। और आज ये बात नहीं है कि मैं आज मोबो प्लस पर हूँ तो मैं भोजपुरी की तारीफ कर रहा हूँ। एक अजब सी कशिश है, वाह 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 शुक्रिया शुक्रिया। इतनी कशिश है कि हम जिस वक्त फोक में जाते हैं, देखिए सभी जगह जाते हैं, राजस्थान में जाते हैं, कश्मीर में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, लेकिन आप भोजपुरी में जब आप आते हैं तो खुद बखुद आपके पैर हाथ हिरकने लगते हैं, कि नहीं यार कुछ हो रहा है, अलग ही अंदाज है। ऐसी बात है, अब बात ही पिगो पेशकश हो जा पिगो नजराना हमने के भेंट करी ताकि दर्शक लोग भी ऊपर इरशाद कोई उठे। हां इतना बढ़िया तालीम ले लेवानी तो सुनाइए। देखिए जब आज दर्शक और आप लोग मुझे एक गजल गुलकार कैसे से जानते हैं, आज सबका प्यार है, सबका आशीर्वाद है, मोहब्बत है कि आज लोग मुझे एक आर्टिस्ट के तौर पर जानते हैं। तो गजल का छोटा सा आर्टिस्ट हूँ मैं, तो हल्का सा आपको एक बिल्कुल, बिल्कुल। गजल सुनाऊंगा मैं। मेरा फन समझ सकेगा जरा देर से जमाना, मेरा फन समझ सकेगा जरा देर से जमाना, मेरा फन हाँ मेरा फन समझ सकेगा जरा देर से जमाना, मेरा पन समझ सकेगा जरा देर से जमाना, मेरा पन समझ मैं गजल का हूँ मुसाफिर, मेरी बात शायराना, मेरा पन समझ सकेगा जरा देर से
प्यारापन। जो बदल सको तो आना, कभी आईने में चेहरा जो बदल सको तो आना, पर मुझे फिर से तुम पर रखना, मुझे फिर से तुम पर रखना, मुझे फिर से आजमाना, मुझे फिर से आ, मुझे फिर से, मुझे फिर से तुम पर रखना, मुझे फिर से आजमाना, मेरा पन समझ सकेगा जरा देर से जमाना, मेरा पन समय का घर बसाना, ये युगो युगो का किस्सा, ये समय का हर बसाना, तेरे नूर से है हस्ती, तेरे नूर से है हस्ती, और तेरे नूर से फसाना, तेरे नूर से हस्ती, तेरे नूर से फसाना, मेरापन आ, मेरापन, मेरापन समझ सकेगा जरा देर से जमाना, मेरा पन समझ सकेगा जरा देर से जमाना, मेरा पन समझ सकेगा जरा देर से जमाना, मेरा वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही खूब। दर्शकगण, आप देखा था नहीं कि आप इतना बढ़िया कलाकार, एगो मजल कलाकार, और एगो साथ ही साथ ही कई गो विधा के महारत हासिल बाबा के गजल सुननी, आगे भी कुछ नया चीज आपसे यहाँ के सुनवाई। लेकिन फिलहाल एगो वक्त बा विराम के, एगो ब्रेक के, ब्रेक के बाद लेके पुनः वापस लौटब एक खास प्रोग्राम के, जेकर नाम बाटे भैल बिहान, भैल बिहान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रवा सबके हम स्वागत करतानी, अभिनंदन करतानी। आई जे रवा सब जुड़ गेल बानी महुआ प्लस से यही खास प्रोग्राम में, जन प्रोग्राम के नाम बाटे भैल बिहान। दर्शकगण, ब्रेक के बाद हमने के वापस आ गेल बने और सीधे चलब हमर जी के पास, और शकील जी से ये जाने चाहब की शकील जी
जैसे कि आप बताने कि आपके तालीम कई लोग से भेटाएल, आपके वालिद से भी और आपके गुरुजन भी माने जी आपके समय समय पे बहुत बढ़िया गाइड, चाचा से भी सबसे भइल और सब अपन अपन जीवन जगरा पात्र आपके भेंट केला। लेकिन आप एक गो पेशेवर तौर पे जी कहल जाला, कौन चीज के सबसे ज्यादा पसंद केनी, का चीज गांव में आपके सबसे ज्यादा आनंद भेटाला? देखिए संगीत अपने में एक लैंग्वेज है, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो गजल हो जी, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे वो ठुमरी हो, चाहे वो कर्नाटक हो, सब शास्त्रों में है, बिल्कुल ठीक है। अभी अगर पसंद की बात है तो सबसे ज्यादा मुझे जो हिंदुस्तान के सभी फोक पसंद है। फोक, क्या बात है, क्या बात, क्योंकि देखिए हमारा एक मुल्क, इतनी सारी जबान, इतने सारे लोग, रंग बिरंगे लोग, इतने खूबसूरत लोग, क्या बात, इतनी खूबसूरत जबान, क्या बात है, सब का हर फूल की अपनी अलग खुशबू। कहे के मतलब ये बाकी शकील जी के कहना में है, बाकी भारत वर्ष एगो फुलवारी बा और यहाँ पे हर धर्म के, हर बोली के, हर भाषा के लोग जो रहता वो ए फुलवारी के का बटे फूल बाटे। फूल बाने और बिल्कुल सही बात, साथे साथे इहो अर्थ निकला था कि संगीत के कोनो भी जात धर्म ना होला, कोनो भी भाषा बोली ना होला, वो तो यहाँ बना दिया गया बा। वो बात के चर्चा ना कर जाओ, बात तो मान हमन के बहुत दूर बा, वो बात के सोचलो बेकार, सोचल ले जी सोचे वो बेकार, जी सोचे ना सोचे ला, वो टाइप बहुत बिल्कुल सही बात है। जब जिस दिन संगीत की भाषा हो गई, हाँ हाँ, जिस दिन संगीत को जबान हो गई, मतलब हो गया, संगीत समाप्त हो गया। चलिए भाई बात में खूब बढ़िया गाना हो जाए, ठीक है। तो फिर मैं आज आपके चैनल पर महुआ प्लस पर हूँ, एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ महुआ प्लस का, और लीजिए एक गाना भोजपुरी आपके समक्ष पेश करें। क्या बात सुनाई, सरवा पगड़िया बंधले कांध पे कोठलिया दहिले, सरवा पगड़िया कांध पे कोठलिया दहिले, आगे आगे हलवा चले, आगे आगे हलवा चले, पाछे किसनवा जोतला किसनवा डुबवा हार ला नजरिया, जोतला किसनवा डुबवा हार ला नजरिया, सरवा पगड़िया बंधले उमरिया तोरी, धीरे धीरे आई बह गौरी, चुनरी मेला गन गुटवा, चुनरी मेला गन गुटवा, टुकुर टुकुर टाकी रे, टुकुर टुकुर टाकी रे, टुकुर टुकुर टाकी रे, टाकी रे किसनवा, जोतला किसनवा लुकवा हार ला नजरिया, इतवा जोतला किसनवा लुकवा हार ला नजरिया, सरवा पगड़िया बदले बोली है गोरी, चाल चल तू अलबेली, मीठी तोरी बोली है गोरी, चाल चल तू अलबेली, तोरे बिन लागन मनवारे मनवा, तोरे बिन लागन मनवा, चम 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 के, चम चम
चमके चमके बिजुरिया कितवा जोतला किसनवा उगवा मारे लाल चलिया कितवा जोतला किसनवा उगवा मारे लाल चलिया सरवा पगड़िया बंदले कांध पे कोठलिया दहिले सरवा पगड़िया बंदले कांध पे कोठलिया दहिले आगे आगे हलवा चले आगे आगे हलवा चले पाछे किसनवा कितवा जोतला किसनवा उगवा मारे लाल चलिया क्या बात क्या बात बहुत तो देखनी है तार मन कहत रहे कि लावा पगड़ी बांध ली मन तक करे सा लेकिन तो सोचनी है हमारी सेटिंग पेटिंग खराब हो जाए ना सेटिंग खराब हो जाए शीशा भी ना आवा कैसे दिखता तू मुंह में देख लेती अच्छा इतना साफ लबा हुआ चला साफ रहा तो फिर देखी ले लेती अब तो बानी की देखी ले लेती ना ना देखा नहीं है इसे ही छोड़ देनी है भैया ये लिए बात के छोड़िए और शकील जी बहुत बहुत शुक्रिया एगो गजल के फनकार एगो गजल के गायक इतना सुगर भोजपुरी में इतना बढ़िया अपने फोक के तरफ ले जाके अपना गांव के सिवान के खेत खरिहान के जिक्र करके जोन बात की बोल गए नहीं बहुत बढ़िया लगा बहुत अच्छा और भी अच्छा अच्छा गाना और बात यहाँ से सुना जाए लेकिन फिलहाल वक्त बा एगो ब्रेक की ब्रेक के बाद लेके फिर से हाजिर होकर एक खास प्रोग्राम की जेकर नाम बांटे भइल बिहान भइल बिहान ब्रेक के बाद एक बार फिर से अपना पूरा भोजपुरी जान के पूरा दिलो जान से स्वागत करतानी अभिनंदन करतानी यही खास प्रोग्राम में जे के हर केहू प्यार से कहला का भइल बिहान और सीधे चलब शकील जी के पास शकील जी देखिए हमने की जो प्रोग्राम होला रोज भोरे भोरे या लोग के दर्शक जे भी बा हमने के बहुत ज्यादा पसंद करला और उसका सबसे बड़ा वजह ई बा कि हमने की हर रोज कुछ बढ़िया करे की कोशिश करे नहीं और नया नया बात के नया नया संगीत के जौन विधा पीछे छोड़ गेल बा फोक सिंगिंग चाहे और भी तमाम जौन कव्वाली गजल भजन जौन आज के समय में ना सुनता लोग बहुत दूर हो गेल बा उसे कम होकर सुनवैया बने ओके हमने के ला के यहाँ से रखे ली जब ना तो लोग के इंटरेस्ट बढ़ेला आप भी वो तरह के कुछ हमरा लागल आपसे ए नाते हमें बात हुआ से पूछा कि संगीत में वेरिएशन जन होला हां मैं आपको और बताना चाह रहा हूं एकरा पहले संगीत देखिए बेगम अख्तर के जमाने में आ जाइए आप तो बेगम साहब गजल गाती थी जी अगर आज मैं ये बात कह सकता हूं कि मैं गजल का आर्टिस्ट हूं कि अगर बेगम अख्तर गजल को जिंदा नहीं रखती तो गजल खत्म हो गई थी उन्होंने खुली गजल गाई बहुत सारी गजलें गाई और एक जिगर का मुझे शेर याद आ रहा है कैसे? एक हमारे शायर थे जिगर मुरादाबादी सब जानते हैं उनका शेर है कि नगमा वही है नगमा के जिसको नगमा वही है नगमा के जिसको रूह सुने और रूह सुनाए क्या बात क्या बात है ना तो वही चीज देखिए जब अगरचे खत्म हो जाती तो आज शायद हम भी यहाँ नहीं बैठे हुए खासा मेदिया सर ने उसको मॉडिफिकेशन दिया नया अंदाज दिया बादशाह गजल रहे इतना खूबसूरत गाया उसके बाद हमारे हिंदुस्तान की टीम जिनको हम बहुत 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 मिस करते हैं जगजीत भाई जगजीत सिंह साहब आवाज की बेस क्या बात इतना खूबसूरत अंदाज उन्होंने वो अंदाज दिया गजल को कि आज एक आम आदमी गजल समझता गजल को जानता है समझता है ये बात की हम माने नहीं देते इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है जगजीत सिंह साहब बिल्कुल जाता है बिल्कुल पूरा पूरा जाता है और उसके लिए देखिए अब आज ये कवाली पर सूफी अंदाज पर सूफीज्म पहले दरगाहों पर किसी उधर हुआ करता था कि हमने देखा होगा कि आपने देखा होगा कहीं हम जा रहे हैं तो सूफीज्म नहीं होता था आज सूफीज्म इतना लोग मान रहे हैं और इतना अच्छी तरह से इतना पॉपुलर हो रहा है ये बहुत अच्छी बात है कि उसमें इतनी मॉडिफिकेशन आ गई नुसरत फतेह अली साहब ने इसको मॉडिफाई किया अरे आज तो कल लोग कंसर्ट करावेला हर जगह जगह मैं समझता हूँ कि इसको मॉडिफाई मतलब देखिए गुलाम फरीद साहब ने इसे गाया और बड़े बड़े कव्वाली से गा रहे हैं और इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ पर गुजरे हैं हमारे हिंदुस्तान में जाफर साहब गुजरे हैं ठीक है ना और लेकिन इसको जो नए मॉडिफिकेशन जो दिया अभी अभी हाल फिलहाल में आप
निजामी ब्रदर्स देख लीजिए, नियाजी ब्रदर्स देख लीजिए, ये सब चल रहे हैं, हिंदुस्तान की नाक है, हिंदुस्तान की शान है। बिल्कुल। लेकिन अब आता है मॉडिफिकेशन का जमाना कि उन्होंने गिटार भी दे दिया, नुसरत साहब ने इस पर पैड भी दे दिया। पहले ढबल तबला ढोलक ऐसा हुआ करता था और दो हारमोनियम हुआ करते थे, कबड्डी का प्रोग्राम हो गया। लेकिन आज लोग सूफीज्म को समझने लगे, आज लोग सूफीज्म जानते हैं, इसलिए सूफीज्म के तरफ लोग जा रहे हैं। इसी तरीके से मैं आपको एक सूफी भी सुनाऊंगा अभी। वाह। के एक सूफी सॉन्ग मैं आपको सुनाऊंगा के जीवे साईया। जरूर जरूर बिल्कुल सुना जाए भैया, बाद बिल्कुल सुना जाए, एकदम सुना जाए। लेकिन फिलहाल वक्त हो गल बा एगो बढ़िया ईमेल पढ़े के, तुम चाप पढ़ के तो सुना दा, फिर अब भैया से चल के गा सुना जाए। हां मन हमारा लाग बा कि कितना जल्दी उगाना सुन ली जन सूफी सुनावे के बात एजा कर ले। बड़ा मेल आयल बा धीरज जी के, लिखताने कि हमार नाम धीरज बा और हम एगो कलाकार बानी, हमरा भी इच्छा बा कि हम भाईल बिहान में आई, बाकी आवे के तरीका ना मालूम बा कि कैसे आवे के बा वहां, तो ऐसे हमरा के और हमरा जैसन हर कलाकार के ई जानकारी देत रही, कृपा करें कि कैसे प्रोग्राम में हमने की एंट्री हुई शामिल हो सकेली। धीरज जी चिंता के लगे कोनो बात ना बटे, राउर ईमेल आ गेल बना, राउरा से कनेक्शन हो जाए, हम लोग के कहीं ना कहीं हम लोग के कांटेक्ट बनाए ले जाए रउआ से, और घबरेला के बात नहीं, अगर आप कलाकारी बढ़िया रखले बानी आपके पास वो बात बात जरूर आपके यहाँ मौका भेटाई मऊआ प्लस से अपन प्रस्तुति देवे के, हमारा यहाँ के मेहमान बने के। लेकिन थोड़ी देर आपके इंतजार करे के पड़ी, कहे कि रोज रोज हमने की प्रक्रिया में बुलावे के तब पढ़वे करेला, तो धीरे धीरे सबका के मौका भेटाई। आगे भी ये प्रकार कोनो बात होगी कोनो और भी राय होके तो आप लोग ईमेल करिए, हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए बाटे bhayilbihan@gmail.com। बिल्कुल ए बात पे गौर करिए, अपन विचार अपन दिल की बात यहाँ तक पहुँचाएं। बाकी हम ज्यादा तारी दर्शक लोग रोवा सबके मन में चला था कि शकील जी हमें कहनी कि एगो सूफी कलाम बात जो रोवा सबके सुनाए, तो हमरो मन करा था सुने के हम यही तरफ चला, लेकिन ओसे पहले पार्टनर विदाई के बेला बाटे, और शकील जी की भी बहुत बहुत धन्यवाद बाटे, धन्यवाद पुनः एक बार आप हमारा अगना महल उकरा बदे, आगे भी हम निश्चित ही आपके बुलाए, कहे कि हमारा लगे समय के सीमा बाटे, समय कम पड़ जाता बात हमारे बचल रही। नहीं मैं जरूर आना चाहूंगा, मेरी खुशकिस्मती है, मैं फिर कहूंगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतने सारे लोगों का प्यार मिला, इतने सारे लोगों की दुआएं मिली, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। वाह बिल्कुल दर्शक लोग ऐसे ही हमरा के ऊपर भी यानी कि परिवार के ऊपर भी अपन प्यार दुलार बनाए रही, और बिहान फिर आए टीवी के सामने इस प्रोग्राम के देखे खातिर, वही के जेके रोवा सा प्यार से कहली भैल बिहान, तब तक खातिर दी इजाजत बाप प्रणाम प्रणाम बाटे। अब शकील जी साहब की अब जात जात वो अंदाज राउर सब देख ले सूफियाना, और उहे गुनगुना सब टीवी सेट से हटे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, लीजिए आपके सामने पेश है एक सूफी कलाम विशाल। जीवे साया साया जीवे साया जी, जीवे साया ओ साया जीवे साया जी, लाल कलंदर जुड़े जुड़े मुर्शिद ओ मुर्शिद जुड़े मुर्शिद जुड़े, लाल कलंदर जुड़े तेरे मेरे इश्क कलंगर, लाल कलंदर झूले तेरे मेरे इश्क कलंगर, लाल कलंदर झूले। दम 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 मस्त कलंदर, कलंदर मस्त कलंदर। Calendar chule tere mere
Calendar, calendar, must calendar, calendar, must calendar.